लखनऊ में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के रियलिटी शो काव्या की स्टारकास्ट ने शो के बारे में जानकारी दी। काव्या एक जज्बा एक जुनून के साथ सोनी चैनल दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक आईएएस अधिकारी की कहानी लेकर आया है। टेलीविजन स्टार सुम्बुल तौकीर खान ने इस शो में मुख्य भूमिका निभाई है, जो एक भावुक लड़की है। वहीं उनके अपोजिट रोल में मिशकत वर्मा भी है, जो नारीवाद के सच्चे समर्थक आदिराज प्रधान की भूमिका निभा रहे हैं और पूरे दिल से अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और सिविल सेवा अकादमी में काव्या से मिलते हैं। इस बारे में अनादि के संवाददाता आतिफ लुकमान ने एक्ट्रेस संबुल तौकीर से खास बातचीत की। मैं काव्या, मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, उसके अलावा भी उसने उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, अपने जो हादसे हुए हैं उसके साथ, उससे उसने ये चीज़ सीखी है कि एक आम आदमी के लिए उसकी लाइफ में बहुत सारे दरवाजे बंद रहते हैं। कोई उनसे आके ये नहीं पूछता कि क्या मैं आपको कोई हेल्प कर सकती हूँ। और वहीं पे काव्या ये सोचती है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी और मैं उन्हीं सब लोगों को जिनके लिए कभी दरवाज़ा कोई खुला नहीं है, उनको ये पूछ सकूँ कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। आपका बिग बॉस मुझे काफ़ी अच्छा करता है, इसमें जर्नी के बारे में कुछ तरह से। मेरी जर्नी मैं ये मानती हूँ अभी तक के लिए बहुत ही स्लो एंड स्टडी रही है, बहुत मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग रही है, मैं खुश हूँ हर एक चीज़। बात करें तो शो हमने लखनऊ में तो शूट किया है, कानपुर में भी किया है, उसके अलावा हमने मुंबई में भी बहुत अलग अलग लोकेशन पर शूट किया है। कभी बहुत मेरे घर से दूर, कभी मेरे घर के एकदम पास, तो हमने इस तरीके से मतलब बहुत अलग अलग जगह पर शूट किया, हम एक जगह पर शूट नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी सपना हो, जो भी टारगेट हो आपकी लाइफ का, प्लीज़ कभी भी किसी भी कारण से उसको ना छोड़ें। एंड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बस अपने टारगेट पे हमेशा फोकस रहें और वो अपना सपना पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें से बात करने के लिए। हमारे साथ थे काव्या जी, जो सुम्बुल तौकीर जी, उन्होंने कहा कि काव्या धारावाहिक शो जो सोमवार से शुक्रवार सोनी टीवी पर शुरू हो रहा है।